जल्द ही रंग बिरंगा होली का त्योहार आने वाला है और इससे ठीक 8 दिन पहले होला अष्टक लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि होला अष्टक क्या होता है और इनमें शुभ कार्य करना क्यों वर्जित माना गया है। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो होलाष्टक अर्थात होली से पूर्व 8 दिन जो दिन होता है वो होलाष्टक कहलाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो होली एक दिन का पर्व न होकर पूरे 9 दिन का त्यौहार है। धुलेडी के दिन रंग और गुलाब के साथ इस पर्व का समापन होता है। होली की शुरुआत होली पर्व होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलेडी तक रहती है। इसके कारण प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस वर्ष 14 मार्च 2019 से 21 मार्च 2019 के मध्य की अवधि होलाष्टक पर्व की रहेगी। होलाष्टक से होली के आने की दस्तक मिलती है, साथ ही इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास व होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। जिस दिन ये कार्य किया जाता है उस दिन से होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। जिस गांव, क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर ये होली का डंडा स्थापित किया जाता है होलाष्टक में सभी शुभ कार्य करना वर्जित रहते हैं, क्योंकि इन 8 दिवस 8 ग्रह उग्र रहते हैं। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसलिए अवधि में शुभ कार्य करने की मनाही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।